नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम स्पेशल। मैं हूं अजीत। छपरा में हुए ट्रेन हादसे के बाद रेल मंत्री के साथ ही रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने भी साजिश की आशंका जताई है। आज बिहार में माओवादियों ने बंद का ऐलान किया है और रेलवे ने इस घटना के पीछे माओवादी साजिश की आशंका जताई है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अरुणेन्द्र कुमार ने तो ट्रैक से छेड़छाड़ की भी आशंका जताई है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि यह हादसा है या फिर साजिश। घटना के पीछे साजिश की बात इसलिए भी पुख्ता होती दिख रही है कि छपरा के ही दरियापुर में टाइमर लगे 3 जिंदा बम मिले हैं। इसके अलावा बिहार के ही मोतिहारी में माओवादियों ने रेलवे ट्रैक उड़ा दिया जिसमें मालगाड़ी के 7 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ऐसे में छपरा में हुए हादसे के पीछे साजिश की बात से इनकार नहीं किया जा सकता। रेल हादसे के बाद ईस्ट सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधक मधुरेश मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। उनसे बात की जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश मिश्र ने। रेलवे के जीएम हैं मधुरेश जी, बताइए सर, ये जो जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, लगता है कि नक्सलियों ने आज सारा तिरहुत बंद रखा है, कहीं ये सेबोटाज का भी मामला हो सकता है? ऐसा है कि इसकी सीआरएस इंक्वायरी होने वाली है तो हम इसको प्रिजुडिस नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ये सच है कि आज बंद आह्वान था और इस बंद की दुर्घटना में कई बार पहले भी ऐसा हो चुका है, इसलिए इसे रूल आउट नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद। जहां तक सहायता की बात है, राहत की बात है, क्या क्या उपाय लगाए जा रहे हैं यहां पर, क्या क्या उपाय किए गए हैं? आपने देखा, आप तो यहां पर हैं, आप वीडियो लेके देख सकते हैं कि सारे पैसेंजर्स को हम लोगों ने स्पेशल ट्रेन में रख दिया है और उस स्पेशल ट्रेन को आगे ले जा रहे हैं, उनको डिब्रूगढ़ तक पहुंचाएंगे। अभी तो हमारे पास जनरल कोच जो थे उसमें रखे हैं, आगे हम एसी कोच जो भी मिलेंगे उसको ऐड करके उनको हम डिब्रूगढ़ तक पहुंचाएंगे। सारे पैसेंजर को बड़े कम्फर्टेबली वहां रख दिया गया, हमको पानी और खाने की व्यवस्था की गई है और आगे भी इनका ख्याल रखा जाएगा। राजधानी एक्सप्रेस के जो परिचालन होता है, सुरक्षा के काफी इंतजाम पहले से किए जाते हैं, लगता है कि इसमें कुछ चूक भी होने की संभावना है? नहीं, ऐसी नहीं। राजधानी एक्सप्रेस अच्छी चल रही है और आज तक कभी कोई राजधानी एक्सप्रेस में ऐसी कोई बात नहीं हुई जिसके चलते चूक हुई हो। आप लोग इस सेक्शन में इतने दिन से राजधानी चल रही है, कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। धन्यवाद। ये थे मधुरेश कुमार जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे के जीएम हैं। उन्होंने बताया है कि कहीं न कहीं ये सारण और तिरहुत में नक्सलियों ने आज बंद किया हुआ था, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि नक्सली यहां पे सेबोटाज करने की कोशिश किया हो उन्होंने और विस्फोट भी किया हो। लेकिन जिस तरीके से घटना सामने आई है, आप देख सकते हैं कि लगभग यहां पे 12 इंजन को छोड़ के 11 बोगियां ड्रिल हुई हैं और पटरियां जो है, पटरी से छोड़ के जो ट्रेन है वो खेतों में जाके गिरी हैं। हालांकि जो आधिकारिक सूचना के मुताबिक 4 लोग इस हादसे में के शिकार हुए हैं और लगभग 20 लोग घायल हुए हैं, और जो चश्मदीदों के मुताबिक आधे घंटे के बाद ही यहां पे सुरक्षा बल राहत जो सामग्री है वो हाजीपुर से और छपरा से यहां पे पहुंच गई थी। तो क्विक रिस्पांस काफी तेज था, इस वजह से हो सकता है कि ये कैजुअल्टी कम हुई हो, लेकिन जो हादसा है उस पर जांच के आदेश दिए हैं और नक्सलियों ने जिस तरीके से आज बंद का ऐलान किया हुआ है, कहीं न कहीं ये उस घटना को भी अंजाम दे सकते हैं। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ ब्रजेश मिश्रा, जी मीडिया छपरा। और मैं साथ छपरा से राकेश सिंह, जी मीडिया संवाददाता जुड़ गए हैं इस वक्त। राकेश, क्या ताजा जानकारी है आपके पास इस वक्त इस हादसे के बाद? जी देखिए, हादसे के बाद जो है घायल जो यात्री है या जो यात्री बाल बाल बचे हादसे है उन्हें हाजीपुर रेलवे स्टेशन लाया गया और वहां से स्पेशल ट्रेन को डिब्रूगढ़ के लिए रवाना कर दिया गया है। जी जी, यहां पर जहां दुर्घटना हुई है वहां क्या स्थिति है इस वक्त? कौन कौन से बड़े अधिकारी हैं जिन्होंने जायजा लिया है? किस तरह से यहां पर जांच आगे की जा रही है कि आखिर क्या कारण था इस दुर्घटना के पीछे? क्या कोई साजिश थी? क्या इस सब बारे में कुछ कहा जा रहा है आधिकारिक तौर पर? देखिए, आधिकारिक तौर पर तो अधिकारी न इस घटना में नक्सली के हाथ होने से इनकार कर रहे हैं, न इसको स्वीकार कर रहे हैं। उनका सीधा सीधा ये कहना है कि जब तक इस मामले की जांच नहीं होगी तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन हम आपको बता दें कि आज नक्सलियों ने यहां बंद बुलाया है, इसके बाद दरियापुर एक बाजार है जहां 3 जिंदा बम मिले हैं और उसमें टाइमर लगे हुए हैं। परसा थाना क्षेत्र है, उसके कुआरी गांव में एक मोबाइल टावर को लगाया गया है। तो कुल मिला जुला के जो परिस्थितियां दर्शा रही है, इससे ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह घटना भी नक्सली साजिश है। बहरहाल रेल पुलिस और रेल के अधिकारी जो है इस मामले की जांच कर रहे हैं। जी राकेश, ये बताया जा रहा है कि उस वक्त धमाका हुआ, कुछ यात्रियों ने ऐसा कहा है कि जिस वक्त ये दुर्घटना हुई उस वक्त धमाका हुआ, तो धमाके के कारण ये दुर्घटना हुई या दुर्घटना के बाद धमाका हुआ, इस बारे में क्या कुछ कन्फर्म हो पाया है अब तक? जी देखिए, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि धमाके के बाद दुर्घटना हुई या दुर्घटना से धमाका हुआ। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी जो यात्री है, जो राजधानी में जो यात्री थे,
उनका कहना है कि एक जोरदार धमाका हुआ, अगल बगल के गांव के वीडियो कह रहे हैं कि जोरदार धमाका हुआ है और इसके बाद इस यह घटना हुई है। लेकिन अब पुलिस और रेलवे अधिकारी इस मामले के जांच में जुटे हैं कि ये आखिर पहले धमाका हुआ या दुर्घटना के बाद धमाका हुआ। लेकिन ये तय है कि कहीं ना कहीं इस मामले से नक्सलियों के हाथ होने से इंकार नहीं किया जा सकता है, जैसे अभी की स्थितियां बता रही है। जी शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए राकेश। छपरा में हुए रेल हादसे के बाद रेलवे सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि रेलवे सुरक्षा लंबे समय से कई सरकारों के लिए बड़ी चिंता का विषय रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका। हालांकि हाल ही में मोदी सरकार ने रेलवे की सुरक्षा से जुड़ी काकोडकर समिति की सिफारिशों को लागू करने पर विचार शुरू कर दिया है। दरअसल 2011 में तत्कालीन रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने रेल हादसों की वजह और उनके निवारण यानी हल का उपाय सुझाने के लिए डॉक्टर अनिल काकोडकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। 2013 में समिति द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में रेलवे सेफ्टी अथॉरिटी का गठन, रेलवे रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिल बनाने के अलावा स्टेशन मास्टर, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, असिस्टेंट लोको पायलट, गैंगमैन, कीमैन, पॉइंट्समैन जैसे सुरक्षा स्टाफ की कमी दूर करने जैसे 106 अहम सुझाव दिए गए थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में ट्रैक एवं रोलिंग स्टॉक का रखरखाव बढ़ाने, कल पुर्जे की कमी दूर करने और प्रशासनिक ढांचे में सुधार जैसे उपाय लागू करने के लिए 5 सालों में 1,40,000 करोड़ रुपए निवेश की जरूरत बताई है। अच्छी बात है कि मौजूदा रेल मंत्री ने रेल हादसों पर संजीदगी दिखाते हुए काकोदकर समिति की सिफारिशों पर अमल करने को हरी झंडी दिखा दी है। अगर इन सिफारिशों पर अमल किया जाता तो निश्चित तौर पर रेल हादसों पर विराम लगेगा और यात्री सुविधाएं बढ़ेंगी। और इस छपरा हादसे का जायजा लेने के लिए रेल मंत्री सदानंद गौड़ा और रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा छपरा जाएंगे। इससे पहले रेल मंत्री ने रेल भवन में रेलवे के अधिकारियों की अहम बैठक बुलाई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, रेल मंत्री सदानंद गौड़ा और रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा छपरा जाएंगे जहां दुर्घटना हुई है, इस हादसे का जायजा लेने के लिए। इससे पहले रेल मंत्री ने रेल भवन में रेलवे के अधिकारियों की अहम बैठक बुलाई है। और इससे पहले रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने रेल हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने इस हादसे के पीछे नक्सलियों का हाथ होने की आशंका जताई है। रेल मंत्री ने मामले की जांच का आदेश दे दिया है और बताया कि रेलवे सेफ्टी कमिश्नर इस मामले की जांच करेंगे। 2 लाख फॉर द डिसीज्ड एंड 1 लाख फॉर द ग्रीवियसली इंजर्ड पर्सन एंड 20,000 टू द इंजरीज सिंपल हर्ट as ex gratia as on now reasons of derailing abhi pura nahi mila but udhar maoist ka band call karne ke ya sabotage ke bare mein aisa hua ye primary preliminary informations mujhe liya tha commissioner of railway safety wo inquire karenge। छपरा से सांसद राजीव प्रताप रूडी ने घटनास्थल का जायजा लिया। रूडी ने हादसे को बेहद असामान्य बताया। उन्होंने कहा कि इस हादसे के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय को बता दिया गया है। राजधानी एक्सप्रेस जो गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस है उसकी दुर्घटना हुई, लगभग 9 डिब्बे पटरी से नीचे चले आए हैं। दुर्घटना इतना भयंकर है और उस अनुपात में मुझे लगता है 4 लोगों की मौत हुई है, लगभग 8-9 लोग घायल हैं। लेकिन जो दृश्य देखने को मिल रहा है मैं समझता हूं कि ये असामान्य दुर्घटना है और इस दुर्घटना में जिस प्रकार से सुबह सुबह ये 2:15 बजे की घटना है, 2 बजे से 3 बजे के बीच की घटना है और जिस समय यह घटना हुआ है राजधानी एक्सप्रेस छपरा जंक्शन से आगे निकल चुकी थी उल्टेनगंज जंक्शन के पहले। घटना की जानकारी अनुसंधान पर ही पता चल सकेगा कि क्या ये सैबोटाज है या असामान्य दुर्घटना है, लेकिन भयावह दृश्य और इस भयावह दृश्य में देखने से स्पष्ट लग रहा है कि अगर ये आधुनिक जो कहते हैं राजधानी एक्सप्रेस में जो आधुनिक डिब्बे हैं इनका नुकसान सिर्फ छोर पर हुआ है, बीच के डिब्बे में काफी प्रोटेक्शन हुआ है। जिला प्रशासन ने, जिला शासन ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट छपरा ने,
और एसपी छपरा ने समय से इसका वैकेशन, हम लोग रात से ही यहाँ हैं और मुझे लगता है कि जो भी बन सकता था वो उसे जिला शासन ने और रेलवे के अधिकारियों ने, रेलवे के डीआरएम और तमाम अधिकारी यहाँ समय से पहुंच गए थे। मुझे लगता है कि जो भी समय हो सकता है सरकार ने प्रयास किया। हमारी बातचीत प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में भी, और वही रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अरुणेंद्र कुमार ने भी हादसे के पीछे साजिश की आशंका जताई है। आज सवेरे करीब 2:15 बजे दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस का रेल हादसा हुआ, ये छपरा और गोल्डनगंज के बीच में हुआ है और इसमें इंजन और 11 डब्बे पीछे के उतर गए थे पटरी से। इसमें 4 लोगों की जान गई है और 8 लोग घायल हुए हैं। बिहार के छपरा में हुए रेल हादसे में मरने वालों की संख्या 4 हो गई है और करीब 8 लोग घायल हैं। रेलवे की तरफ से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा और गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख का मुआवजा घोषित किया गया है। इसके अलावा मामूली रूप से घायलों को 20,000 के मुआवजे का ऐलान हुआ है। घटना रात करीब 2:15 की है जब दिल्ली से डिब्रूगढ़ जा रही ट्रेन छपरा और गोल्डनगंज के बीच शेरपुर में पटरी से उतर गई। इंजन समेत ट्रेन के 12 डिब्बे पटरी से उतरे। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे के वक्त धमाके की भी आवाज आई, जिस वजह से इसके पीछे नक्सली साजिश की भी आशंका जताई जा रही है। छपरा में डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। घटनास्थल पर सबसे पहले जी मीडिया पहुंचा और जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश मिश्र ने घटनास्थल का जायजा लिया। राजधानी एक्सप्रेस छपरा के नजदीक पटरी से उतर चुकी है। आप देख सकते हैं कि लगभग यहां पे इंजन समेत 12 बोगियां पटरी से उतर चुकी हैं और अभी तक जो जानकारी मिली है आधिकारिक रूप से 3 लोगों का इसमें मौत हुई है और लगभग 20 लोग घायल हुए हैं। आप पटरी की हालत देख सकते हैं, ये पटरी की हालत है और जो पूरी तरीके से पटरी अलग हो चुकी है और बोगियां जो हैं लगभग 50 से 100 मीटर तक दूर तक जाके गिरी हैं। हमारे साथ कुछ चश्मदीद हैं जो उस वक्त हादसे के वक्त जगे हुए थे। बताइए क्या हुआ था उस समय? सर हम लोग सो रहे थे, छपरा से गाड़ी, छपरा में हम लोग जगे थे, छपरा से गाड़ी खुली थी, हम लोग सो रहे थे। सोने के बाद क्या होना, ऑटोमेटिक झटका आया तो जो हमारे साथ पीटी साहब थे, बहुत तेज का आवाज आया, जो खटखट खटखट ऐसा आवाज आने लगी, तो हम लोग जो मतलब पेंटी कार में सो रहे थे तो टीटी साहब सामने बोला देखो क्या हो रहा है। तो हम लोग जब जगने की कोशिश किए उस टाइम ट्रेन मतलब गिर चुका था। उसके बाद सारे पैसेंजर को भी इधर से भाग रहा है उधर से भाग रहा है, जो नहीं निकल पा रहे हैं उसको शीशे से मतलब निकाल रहे हैं। हम लोग अस्पताल गए उसके कारण फिर उसको अधिकतर तो पैसेंजर सोए होंगे उस वक्त, सोए घायल बहुत पैसेंजर मतलब 15-20 पैसेंजर घायल हुए हैं, बाकी बात सुरक्षित, सारे पैसेंजर ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई। B2 में ज्यादा घटना घटी है, बस ज्यादा B2 में हुआ, B2 में ज्यादा, बाकी सारे कोच में कुछ मतलब थोड़ा चोट लगी है और बाकी घायल हुए हैं। निश्चित रूप से कुछ दिखा गया क्यों, ये बिल्कुल पटरी की जो हालत है, जगह जगह से पटरियां टूटी हुई है। रनिंग गाड़ी में हम लोग को कोई दिखाई नहीं दिया, दिखाई नहीं पड़ता सर, रनिंग गाड़ी 120 की स्पीड में थी तो क्या दिखाई पड़ेगी, रनिंग गाड़ी में कोई दिखाई नहीं दिया सर हम लोग को। देखिए बताइए कि जो सुरक्षा के इंतजाम थे या फिर जो सहायता की का जो क्विक रिस्पॉन्स था कितने देर में आपको मिला? यहाँ आधा घंटे मिला सर, आधा घंटे लोग यहाँ पे आ गए थे, आधा घंटे में आधे घंटे आ गया और प्रशासन लोग सब आ गए थे आधे घंटे वाला। तो आप देख सकते हैं कि जो जिस तरीके से यह हादसा हुआ, निश्चित रूप से कुछ तकनीकी बहुत बड़ी खामी हुई है क्योंकि पटरियां जिस तरीके से छत बिछत हैं, सभी पटरियां उखड़ी हुई हैं यहाँ पे और लगातार जो 12 बोगी कम नहीं होता है, 12 बोगियां पटरी से बाहर जाकर और खेत में जाकर गिरा है। तो कैजुअलिटी हालांकि 3 लोग आधिकारिक रूप से बताया जा रहा है और 20 घायल बताया जा रहे हैं। राहत का काम जोरों पर है, सोनपुर डिवीजन के सारे अधिकारियों को बुलाया गया यहां पे और जो छपरा से भी अधिकारियों को बुलाया गया है और राहत कार्य लगातार जोरों पर है। यहां पे बोगियां काटी जा रही हैं और जो ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ लोग उसमें और भी फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। रफीगंज रेल हादसा जो राजधानी एक्सप्रेस बिहार में हुआ था, काफी बड़ा हादसा था, उसके बाद ये संभावना जताई जा रही थी कि इस तरह के हादसे खासकर राजधानी एक्सप्रेस में नहीं होंगे, लेकिन ये एक बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि जो कैजुअलिटी है वो अभी फिलहाल कम ही बताई जा रही है। तो रेलवे प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं और अब जो है हो सकता है कि रेलवे के आला अधिकारी जो दिल्ली से भी हैं वो आए और जांच में क्या निकलता है, किस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है, इस पर रोशनी दी जा सकती है। विकास के साथ ब्रजेश मिश्रा, जी मीडिया, छपरा।
बिहार के छपरा में भीषण ट्रेन हादसा हुआ है और रेलवे सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। आज से ही रेलवे का किराया भी बढ़ गया है, जिससे ये बात फिर उठ रही है कि रेलवे ने किराया तो बढ़ा दिया है, लेकिन रेलवे अपने यात्रियों को सुरक्षा कब मुहैया करवाएगा और कब रेलवे का सफर सुरक्षित होगा, ये बड़ा सवाल है। बिहार छपरा में रेल हादसा हुआ है और इस वक्त पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव मीडिया से मुखातिब हैं। बड़ा भारी नुकसान हुआ है रेल का और यात्रियों के साथ जो हुआ होगा, बाकी और क्या क्या हुआ तो फाइनलिटी आएगी। नेग्लिजेंस है और जो ये बता रहे हैं ये उनके रेल बोर्ड के चेयरमैन जो बता रहे हैं जो टीवी पर आ रहा है कि नक्सलाइट का माओवादियों का ब्लॉकेट की बात ये चर्चा कर रहे हैं कि सेबोटाज से इनकार नहीं किया जा सकता है, तो आपको तो और प्रिकॉशन लेना चाहिए था। ये घटना घटी है 2:30 बजे और 12 बजे से पहले से अगर वो सूचना दिया है तो आपको राजधानी गुजारने के पहले राजधानी को आगे क्लियर करने के लिए आपने पेट्रोल इंजन क्यों नहीं चलाया, पेट्रोलिंग करता आगे जाता क्लियर करता तो यह हादसा टाला जा सकता था। ये बहुत दुखद है, हृदय विदारक है और लगातार इस देश में प्रत्येक दिन इस तरह के अप्रिय बर्दात रेलवे के अलावे भी हो रहा है। ये सब जवाबदेही बनती है, बिल्कुल सीधा जिम्मेवारी है रेल मंत्रालय का। और नक्सलियों ने अगर ये किया तभी इनकी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि पूर्व सूचना था। मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं अगर नक्सल लोगों ने किया है, लेकिन आपने क्या किया, प्रिकॉशन लिया और बचाव करने से और ये करने से तो नहीं चलेगा। बहुत दुखद है, सैड है। और रेल में अब राजधानी से लेकर कोई ट्रेन में यात्रा करने में अब लोग संकोच करेंगे, बिल्कुल संकोच करेंगे। जिसे तीर्थ स्थलों पर जाने में संकोच लोग कर रहे हैं, उसी तरह से पर्यटन स्थलों पर जाने के लिए संकोच अब कर रहे हैं लोग, उसी तरह से रेल में भी संकोच करेंगे। इसको इंश्योर करना चाहिए लोगों को। एक सवाल ये भी है कि वहाँ पे बीजेपी के नेता पहुंचते हैं एमपी और वो स्पॉट पे बैठ कर ये कहते हैं कि ये सबोटाज हो सकता है, लेकिन वहीं का लोकल प्रशासन वो कहता है कि इस तरीके की चीजें दिखाई नहीं दी गई है, तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन है इस चीज को लेकर। देखो क्या बोलता रूढ़ी, रूढ़ी को धरती से जमीन से कोई मतलब तो है नहीं। वो अपनी सरकार का बजा बजा रहा होगा, बिगुल फूंक रहा होगा, फूके उसे भाई सीधी बात है कि आप राजधानी डिब्रूगढ़ राजधानी न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी के पहले हर राजधानी के पहले पेट्रोलिंग इंजन चलाया जाता है, चेक किया जाता है, आपने क्यों नहीं किया? आप बोल रहे हो तब तो और आपकी जिम्मेवारी बढ़ जाती थी। तो इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, इसको कैसे ठीक करोगे भाई, ये तो बहुत भीषण दुर्घटना। मैं इतना दिन से हम सन 77 से हैं वहां पर, इस तरह का वाकया नहीं हुआ था मेरे क्षेत्र में। एक तरफ रेल किराया में बढ़ोतरी की जाती है, आपको लगता है कि सिक्योरिटी नॉर्म्स को भी बढ़ाया जाना चाहिए? भाई अलर्टनेस है नहीं ना, देखो अलर्टनेस है नहीं, सुरक्षा इस देश में नक्सल पंथ का फन बढ़ रहा है, कद बढ़ रहा है, हिंसा का कोई स्थान नहीं है सब समाज में। लेकिन हम लाखों करोड़ों लोग रेल से सफर करते हैं, अगर उनके सेफ्टी का उनके सुरक्षा का अगर हम उनको निडर नहीं करते हैं, हम प्रिकॉशन नहीं लेंगे और सावधानी से काम नहीं करेंगे, ये तो रेल अधिकारी या कर्मचारी, देखो
रेल का जो ट्रैक है उस पर हमेशा गैंगमैन की मैन वो हमेशा वो वॉच करते रहता है। रेलवे पर सवाल उठाते हुए पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव इस तरह के हादसों के लिए जिम्मेदार रेलवे को मानते हैं। बहरहाल यहां रुकेंगे कुछ पलों के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए जी सिंह।